में 22 जनवरी को होगा दूसरा कोरोना टीकाकरण अभियान होगा शुरू। 16 केंद्रों पर 22 बूथों में 72,000 स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगी वैक्सीन। 22, 28 व 29 को फिर लगेगा टीका। छोटे हेल्थ वर्करों को 22 जनवरी को दी जाएगी वैक्सीन की डोज। जनपद में अब 22 जनवरी 2021 और 28 जनवरी 2021 और 29 जनवरी को 3 बार कोविड टीकाकरण किया जाएगा। जिला अस्पताल सहित 16 स्वास्थ्य केंद्रों में टीके लगाए जाएंगे। कोविड पोर्टल का टीका लगाने के लिए 72,000 स्वास्थ्य कर्मियों की सूची उपलब्ध कराई गई है। जिले के 13,464 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड को लगाया जाना है। अब 3 बार में 7,201 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भानु प्रताप सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को प्रारंभ हुआ था, जिसमें 400 लोगों में 281 लोगों को 4 केंद्रों पर कोरोना की कोविड शील्ड लगाई गई थी। इस अभियान के तहत पहले दिन यानी 16 जनवरी को 70% स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया पाया गया था, जिसमें बाकी 119 लोगों को अनुपस्थित लोगों को टीका नहीं लग पाया था। शासन द्वारा दिशा निर्देश अनुसार जो बाकी रह गए हैं उन्हें भी इन तीनों तारीखों में टीका लगवा का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली गई है। ये सर खोलने के बाद केवल 4 घंटे के अंदर हम यूज करके जो है जो बच जाएगा तो उसे तो अगर जैसे आपके 10 डोजेज हैं इसमें तो जब आपके 5-6 लोग आ जाएं तभी क्या टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए इसमें? मेरा आप लोग से 2 चीजें कहना है। जो भी व्यक्ति है वैक्सीनेशन के लिए उसको थोड़ा काउंसलिंग भी आता है, ठीक है? जैसे नॉर्मल टीकाकरण होता है वैसे ये भी टीकाकरण हो रहा है, कोई नई इसमें प्रक्रिया तो है नहीं, ठीक है? और बहुत ही सेफ वैक्सीनेशन है, किसी को कोई समस्या नहीं। तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन से पहले उसका कोमॉर्बिडिटी चेक कर लीजिए, मतलब उससे पूछ लीजिएगा बेसिक कोमॉर्बिडिटी कि भाई आपको कोई रीनल इन्फेक्शन या रीनल प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको टीबी तो नहीं है, आपको डायबिटीज तो नहीं है, आपको हाइपरटेंशन तो नहीं है। सो दैट यू आर नॉट एज एन AFI ऑफ द वैक्सीन, बट जो व्यक्ति का वैक्सीनेशन लेगा जैसे इतने वैक्सीनेशन को लेकर दूसरे चरण में कितने स्थानों पर वैक्सीन लगेगी और जो छूट गए उनका भी नंबर आएगा किस तरीके से? हमारे जनपद में 16 जनवरी से कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। पहले फेज में हम लोगों ने 4 जगह पे वैक्सीनेशन किया था, जिसमें 2 ग्रामीण क्षेत्र थे, 2 शहरी क्षेत्र थे। 4 जगहों पर वैक्सीनेशन कराया था, जिसमें 400 में से 281 लोगों ने वैक्सीनेशन किया कराया था, जिसमें से 119 लोग जो हैं वो छूट गए थे। अब दूसरे फेज में हम लोग 22 जनवरी को पुनः कोविड वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग 4 के बजाय 24 सेशन हम लगाएंगे, जिसमें से 9 जगहें जो हैं लगेंगी। इसमें 16 जगहों पर हम लोग लगाने जा रहे हैं जो 24 सेशन हैं, और इसमें से 9 जगह रूरल क्षेत्र की हैं, ग्रामीण क्षेत्र की हैं, और बाकी 7 जगह वो शहरी क्षेत्र की हैं। इसमें प्रत्येक सेशन में 100 लोगों का टारगेट रहेगा, लेकिन इसमें 4-6 अगर बढ़ते हैं तो उनको उसी सेशन में सम्मिलित किया जाएगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होंगे तो फिर नया सेशन लगाना पड़ेगा। जहाँ तक आपने कहा कि जो छूट गए हैं उनका क्या होने वाला है, तो 16 तारीख को जो लोग छूट गए थे उनको 22, 28, 29 जो हम लोग 3 बार ये सेशन करने जा रहे हैं, इनमें उनको मौका दिया जाएगा कि वो अपना सेशन में ये जो छूट गए उनको अपने टीके लगवा लें। लेकिन 22, 28 और 29 में यदि कोई छूटता है तो उनको इन सेशन में मौका नहीं मिलेगा, फिर जब मॉपअप राउंड होगा उनको तब वैक्सीनेशन का मौका मिलेगा। इसलिए मेरी सब लोगों से अपील है कि इसी सेशन में ही अपने टीके लगवा लें और मॉपअप राउंड के लिए वेट ना करें। ये जैसे आपको पता ही है कि जो एक वैक्सीन हम लोग कोविशील्ड हमें मिली है तो इसके 2 डोज लगाए जाने हैं 0.5 ml इंट्रामस्कुलर, जो पहली डोज के बाद 28 दिन बाद दूसरी डोज लगाई जानी है, और
चूँकि दोनों ही वैक्सीनेशन जो है वो कोविशील्ड से होने हैं, तो इसलिए हम लोगों ने आधी डोज जो है वो दूसरी डोज के लिए बचा के रखनी है, ये हमें इंस्ट्रक्शन से वो हम लोगों ने कर रखा है। और फर्दर हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमें 13,000 डोज और मिलने वाली है। तो जो लोग अभी छूट जा रहे हैं, अभी तो चूँकि हम लोग 7,482 लोगों को अभी लगाने जा रहे हैं, तो बाकी जो बचे हुए 7,000 के आसपास लोग हैं उनको हम दूसरे फेज में जो 13,000 डोज और जो मिल रही है उसमें हम लोग उनको कवर करेंगे।